हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में, जिसका नाम है धाकर जेल। तो फ्रेंड्स, सीरीज चल रही है सीनेटेड की और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 18 चैप्टर तक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू द 18 चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और आज का जो चैप्टर है वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देख रहे होंगे आप SSA, बहुत नाम सुना होगा आप सबने। क्या होता है सर्व शिक्षा अभियान हमारा? तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या है इसकी कंसेप्ट, क्या इसकी फेज है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला कि राज्य संविधान लागू होने के लिए, कि हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ था, जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जैन को मनाते हैं। तो 26 जैन 1950 को जो देश का संविधान लागू हो गया था, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1949 में उसको अंगीकृत किया गया था। तो और राज्यों में जब संविधान लागू हुआ तो उसके होने के 10 ईयर्स के अंदर अंदर जितने भी बच्चे हैं, 14 ईयर्स तक की एज जो पूरी नहीं हुई है जिनकी, जो अप टू 14 ईयर्स है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो जो मेन मोटो था सर्व शिक्षा अभियान का, वो क्या था कि जब तक कोई भी राज्य है उसका संविधान लागू होता है, मान लो आज लागू हुआ, तो आज क्या तारीख है, आज है 14 फेब, मैं एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज 14 फेब है, तो 14 फेब 2019 है, तो अप टू 10 ईयर्स तक, 2029 ईयर तक वो कंप्लीट कर लेगा। जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रयास करेगा वो, ये इसका था। लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। तो आई हमारी नई NPE 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली फोकस किया गया था हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। इससे पहले हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन रहती थी, लेकिन जो एनपी 1986 थी इसमें फोकस किया गया कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर रहनी चाहिए। सारा जो फोकस है वो बच्चे पे रहना चाहिए, बच्चे को एक्टिविटीज, यहाँ पे बच्चा बहुत एक्टिव रहना चाहिए, ना कि टीचर एक्टिव है और बच्चा क्या बहुत साइलेंट सा बैठे। नो, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, हर चीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, इन चीजों पे इसमें फोकस किया गया था। तो 21वीं शताब्दी से पहले 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित किया जाए। तो जो 1986 वाली जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, उसमें कहा गया कि जो 21st सेंचुरी आएगी, जो शताब्दी आएगी, उससे पहले पहले जितने भी 14 साल के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। तो यहां तक हमने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान में स्पेशली सबसे पहले था कि जब किसी राज्य का संविधान लागू होता है तो उसके 10 वर्ष के अंदर अंदर 6 से 14 वर्ष जो 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन ये जब हम इसको अचीव नहीं कर पाए, तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी उसमें कहा गया कि 21वीं शताब्दी से पहले पहले 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए, यानी 2010 तक। मतलब इसका जो मेन मोटो था वो 2010 तक बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, एक होता है हमारा गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी में आता है, गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटी होता है। तो आप सभी अब समझ गए हो। इसमें देखिए दो फेज थी, एक तो फेज नंबर फर्स्ट हमारे, एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चला था हमारा। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड था वो बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसी से रिलेटेड था, और उसका मेन मोटो था कि जो प्राइमरी स्कूल्स है ना हमारे जितनी भी, उसमें बेसिक नेसेसरी चीजें जैसे ब्लैकबोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, बच्चों के बैठने की चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी। तो कुछ हद तक वो भी इससे सेम है। तो जो फेज फर्स्ट चली थी उसमें क्या था कि भवनों की कमी, जहां जाते कि स्कूल्स के पास बिल्डिंग नहीं थी वहां पे बिल्डिंग दी जाए। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स जो बने हुए हैं वो फंडेड तो नहीं, पंचायतों के द्वारा दी हुई जमीन पे हैं। तो भवनों की कमी को दूर किया जाए, उनमें कमरे बनवाकर बच्चों की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो स्कूल बिल्डिंग करवाई जाए, बच्चे के लिए बैठने की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और पूरी सुविधाएं दी जाए। सेम यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में काफी हद तक यही चीजें थी। तो ये थी SSA फेज एक, सर्व शिक्षा अभियान फेज एक में जो बेसिक चीजें थी उन पर फोकस किया गया। सेकेंड आता है फिर हमारा सर्व शिक्षा अभियान फेज टू। तो फेज टू में क्या किया गया कि विश्व के प्रत्येक
प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा का अधिकार है उसको मूलभूत अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ मुझे याद नहीं है अभी तो फिलहाल, क्योंकि एसएसटी पढ़े बहुत टाइम हो गया है। तो ये जो अधिकार थे ना, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें जो मूलभूत अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार भी डाला गया, कि जो शिक्षा का अधिकार है उसको भी क्या किया जाए, मूलभूत अधिकार किया जाए। तो हमने पढ़ा सर्वशिक्षा अभियान 1 की फेज 1 और फेज 2। अभी देखिए, सर्वशिक्षा अभियान में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए, राष्ट्र माध्यमिक, बिल्कुल RMSA के नाम से जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कि 12 नवंबर 2019 के नाम से। जब इसमें देखो क्या किया गया कि जो सर्व शिक्षा अभियान थी पहले, इसका बेसिकली जो फोकस था वो 14 इयर्स तक था। तो फिर इसने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा के बाद इसमें ध्यान दे रही है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए, और इसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 12 नवंबर 2019 के नाम से जाना जाएगा। फेज 3 में क्या किया गया कि विकासशील है और पिछड़े राज्यों में प्रारंभ किया गया। जैसे आप देखोगे अभी मैं फिलहाल तेलंगाना स्टेट में बैठी हूँ, तो ये जो स्टेट है ये उभरता हुआ स्टेट है, विकासशील स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट है, क्योंकि 2014 में ये बना है अभी, तो ये अपने विकास में है। अभी हम जाएंगे गुजरात पे, तो गुजरात क्या डेवलप्ड है, उसका विकास हो चुका है बहुत अच्छे से। दिल्ली पे जाओगे, दिल्ली क्या है, डेवलप्ड है हमारा। पंजाब पे जाओगे, पंजाब क्या है, डेवलप्ड है, लेकिन तेलंगाना क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है। छत्तीसगढ़ है ये अभी बने, मतलब काफी साल पहले बना था, लेकिन ये भी अभी अपने प्रोग्रेस में है। तो जो तीसरा फेज था उसको बेसिक फोकस दिया गया, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग स्टेट्स हैं, और जो बैकवर्ड स्टेट्स रह जाते हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सर्व शिक्षा अभियान, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए मेन फोकस था कि किसी भी राज्य में जब वहां का संविधान लागू होगा, बेसिकली वैसे तो सभी राज्य सेम संविधान फॉलो करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा है कि जिसकी अपना अलग से संविधान बनाया हुआ है उसने, तो जहां से वो जब लागू होगा तो उसके 10 साल के भीतर भीतर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये फुलफिल नहीं हो पाया, वी कांट अचीव द, वी कुडंट अचीव द गोल, हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो फिर आई हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। मेन फोकस था इसका किसका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। साथ ही साथ में इसने फोकस किया कि अब हम इस टारगेट को पोस्टपोन करते हैं अप टू 21st शताब्दी तक, हमें अचीव करना ही करना है, यानी 2010 तक का इन्होंने टारगेट रखा था। फिर ये देखो क्या हुआ कि इसमें 3 स्टेजेस आई, एसएससी फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो फैसिलिटीज की बात की गई थी, बेसिक नेसेसिटीज, जैसे हमारी क्या होती है सबकी, रोटी कपड़ा मकान, वो बात अलग है, हमारे शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे डिजायर बहुत बड़ी बड़ी होती है, वी वॉन्ट स्मार्टफोन चाहिए हमें, लैपटॉप चाहिए, हमारे घर मस्त होना चाहिए, बड़े वाला टीवी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छे वाले बुलेट बाइक होनी चाहिए, मस्त कपड़े होने चाहिए, ये क्या है, ये हमारी खुद की है। लेकिन बेसिक में रोटी कपड़ा मकान आती है, हमने बहुत सुना होगा ये, तो सर पे छत होनी चाहिए, तन पे कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए कुछ होना चाहिए, और एजुकेशन के लिए स्कूल होना चाहिए, ये भी नेसेसिटीज हैं। तो ये नेसेसिटीज थी। तो जो जो स्कूलों के बेसिक चीजें थी, जैसे वहां पे बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें तो वहां पे होनी ही होनी चाहिए। फिर सेकेंड फेज में क्या किया गया कि जो शिक्षा का अधिकार था उसको मूल अधिकार बना दिया गया, कि ये भी एक मूल अधिकार है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। थर्ड में क्या किया गया कि जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA है, उसके नाम से इसको जाना गया। और फेज 3 में आता है फिर हमारा कि जो हमारे क्या थे, डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उन पे फोकस किया गया। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। देखिए बात बोलती थी मैं, हर बार यही बोलती हूँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, प्लीज सिर्फ सुना मत कराओ, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करो। बिकॉज एक लड़की जब एजुकेट होती है वो एजुकेट करती है 2 फैमिलीज को, 2 फैमिलीज एजुकेट होती है तो वहां से देखिए कितने बच्चे एजुकेट होते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करते हैं। तो एक लड़की का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। नाउ द डेज वी सी मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की जो सोच है वो लड़कियों के प्रति बदल रही है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सब, क्योंकि वी आर यूथ,
अगर हम सब चेंज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सो प्लीज सुन के इग्नोर मत किया करो, एटलीस्ट एक बार माइंड में सोचा करो कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।